नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं कंट्रोल रूम के बारे में कि पावर प्लांट में कंट्रोल रूम किस तरह के रहते हैं। ये देखिए कंट्रोल रूम में बॉयलर और टरबाइन दोनों का कंट्रोलिंग यहीं से होती है। उसमें जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं सबका कंट्रोलिंग यहीं से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टरबाइन का DCS है, इसमें सभी कुछ लगे हुए हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं वो यहीं से ऑन ऑफ किए जाते हैं। RPM भी कम बेसी किए जाते हैं। जितनी भी मोटर है, MOV है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग इंजीनियर है तो आप लोगों को पता है होगा कि RPM भी कम बेसी करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ से सारे चीज़ कंट्रोलिंग होते हैं। अब चलिए लेके चलता हूँ बॉयलर DCS में। बॉयलर DCS में देखिए इसमें आग जल रही है, ऐसा इंडिकेशन है। ये बॉयलर वगैरह सब कुछ दिखाया। ये पैनल है, सारे DCS के रिले पैनल है। जो भी मोटर ऑपरेट होते हैं या फिर MOV ऑपरेट होते हैं या कोई भी इक्विपमेंट ऑपरेट होते हैं, यहाँ सारे रिले के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं। इसे DCS पैनल भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कितनी सारी कंप्यूटर मॉनिटर लगी हुई है। ये मॉनिटर जो है ये एक टरबाइन एक बॉयलर के है, दो इंस्ट्रूमेंट के रहते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट लोग काम करते हैं उसमें तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए ये रिले पैनल है, ये मीटरिंग पैनल है और बगल में इसकी रिले पैनल है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिले पैनल, उसके बगल में वो AVR पैनल था। अब ये जो रिले पैनल है या मीटरिंग पैनल है, यहाँ सारे कुछ इंडिकेशन रहते हैं। कोई भी फॉल्ट हुआ तो उसका इंडिकेशन यहाँ दिखते हैं जनरेटर का फॉल्ट का। तो ये मीटरिंग पैनल जो है जनरेटर के लिए लगे हुए हैं और इसमें सारे इंडिकेशन, कोई भी फॉल्ट आते हैं तो इसमें देख सकते हैं हम लोग। चलिए सिंक्रोनाइजेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सिंक्रोनाइज पैनल है ये। तो सिंक्रोनाइज किस तरह से करते हैं अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये देखिए सिंक्रोनाइज का सिलेक्टर है, ये TNC है लेफ्ट साइड में। ये सिलेक्टर है कौन सा ब्रेकर ऑन करना है, और ये ऑटो सिलेक्टर है मैनुअल सिलेक्टर, और ये जो है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर के बाद यहाँ सिंक्रोनाइजेशन ऑन का भी सिलेक्टर दिया गया है। आगे क्या करेंगे हम लोग, RPM को कम बेसी करेंगे या तो वोल्टेज को। ये RPM के लिए है, ग्रीन और रेड कलर की जो स्विच है ये वोल्टेज के लिए है, ग्रीन और रेड कलर की स्विच, जिसे जिसके थ्रू हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं। इधर देखिए सिंक्रोनाइजिंग स्टॉप और स्टार्ट का भी है। अगर काटा जो सिंक्रोनोस्कोप में दिखता है, ये देखिए चलिए दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए सिंक्रोनोस्कोप, इसमें एक इंडिकेशन रहता है जिसे स्पिंडल करते हैं। ये देखिए ये काटा जब भी ऊपर वो मिडिल पोजीशन पर पहुँचते हैं तभी सिंक्रोनाइजेशन ऑन का बटन दबा देते हैं तो सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। चलिए इसी तरह के आगे और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए या फिर सिंक्रोनाइजिंग सीखने के लिए अगर आप लोग इंटरेस्ट, सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए।